स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 2/2/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। हाँ, इसलिए तो ब्रह्मा के लिए यह गायन है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो सबसे बड़ी हस्ती शिव बाबा के पश्चात इस दुनिया के अंदर ब्रह्मा बाबा हैं। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, बाप प्रवेश करते हैं माना ब्रह्मा में ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। तो इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है आज का, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाप शिव बाबा और दादा मीन्स ग्रैंडफादर नहीं, लेकिन दादा का मतलब है बड़ा भाई। तो बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर है, बाप निराकारी सो निरहंकारी है। तो हम भी क्या हैं? निराकारी हैं परंतु निरहंकारी नहीं है। वो हमें फिर ब्रह्मा बाबा को देख करके स्वयं को ऐसा निरहंकारी बनाना है। बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते ये ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा की ये डिब्बी है, तो दूसरी और कहते ये पुराने ते पुराना लॉन्ग बूट है। हाँ देखो, बाबा कितनी विचित्र बात बताते। एक तरफ तो बाबा कहते हैं ये ऊंचे ते ऊंचा हीरा कौन? शिव बाबा, हाँ, या ब्रह्मा बाबा। तो उसकी ये डब्बी है, माना ये शरीर रूपी डब्बी है। और फिर दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि ये है लॉन्ग बूट, हाँ, जो यहाँ मुंबई के अंदर हैंगिंग गार्डन नाम के गार्डन में रखा हुआ है एक लॉन्ग बूट जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। बाबा कहते मैंने किस में प्रवेश किया है? लॉन्ग बूट के अंदर प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। हाँ, शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा दोनों ही शिव बाबा कहते हैं कि सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी होकर सेवा करनी है। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। नंबर दो, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान है, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। देखो बाबा ने हमको कितनी सारी बातें एक वाक्य में बता दी। परमात्म प्यार पाते हैं हम, फिर शक्ति हमारे अंदर बाबा ने भरी है,
फिर असंभव को संभव करने वाले हम हैं, और फिर ब्राह्मण होने के नाते पद्मा पदम हम भाग्यशाली भी हैं। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है, परंतु उसके लिए क्या करना पड़े, परमात्मा से प्यार करके और उनसे योग लगाकर हमें अपने में शक्तियाँ भरनी पड़े, तो वो स्थिति भी बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। हाँ, बाप दादा ने भी हम बच्चों से वायदा किया है कि यदि तुम बच्चे मेरे बनते हो तो मैं भी आपको हर समस्या से पार होने की और प्रीत की रीत निभाने की युक्तियाँ बतलाता हूँ और सिखलाता हूँ। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना। बाबा कहते हैं प्रीत की रीत जरूर निभाओ, लेकिन ऐसे प्रीत करने वाले नहीं बनना जो सदाकाल न हो। अल्पकाल के लिए प्रीत की रीत नहीं निभानी है, लेकिन सदा प्रीत निभाने वाले बनना। अच्छा स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होंगी। हाँ, पहाड़ का वजन कितना और रुई का वजन कितना। माना बाबा का कहने का भाव ये है कि कितनी भी बड़ी समस्या होगी, यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, हम श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ चलते हैं, तो हमको ये पहाड़ से रुई का अनुभव होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।